चलो आज ना मसाला पनीर की रेसिपी बनाते हैं। ये रेसिपी इतनी आसान है बनाने में कि आप सब इसको इजी बना सकते हो अपने घर में, अपने गेस्ट के लिए या अपने लिए। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लो, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लो फ्राई करने के लिए। अब यहाँ मैंने पनीर लिया है, पनीर को मैंने यहाँ पे ट्राइंगल शेप में कट किया, आप चाहो तो किसी भी शेप में कट कर लो, रेक्टेंगल या क्यूब, ठीक है। करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के टाइम पे आपको आपने इसमें जो है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला ताकि ये मसाला पनीर बन जाए और इसमें कलर भी अच्छा आ जाए। तो 2 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से फ्राई होने में, ठीक है। जलाना मत, अच्छे से फ्राई करना। अब यहाँ देख रहे हो आप अच्छे से फ्राई हो गया है, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ खड़े निकाल लेंगे, जैसे मैंने काली मिर्च ले ली और यहाँ पे मैंने रेड चिली ले ली है, तो उसी तेल में मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था। उसी में मसाले डाले और 1 टेबल स्पून जीरा डाला, अच्छे से उनको भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज चॉप किए हुए ऐड किए थे, और उसके बाद थोड़ा सा जब उसका कलर चेंज हो गया था प्याज का, तो मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था 1 टेबल स्पून। अब अच्छे से जब प्याज भुन गया तो यहाँ पे हम टमाटो प्यूरी डालेंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 टमाटो लिए थे। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको मसाले को अच्छे से पकने देंगे। तब तक यहाँ पे कटोरी में मसाले रेड करते हैं, जैसे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। ये सारे मसाले लेके आपने इस मसाले में मिक्स करना है और इसको अच्छे से भूनने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पे मसाला अच्छे से रेडी हो गया। आप देख रहे हो तेल भी ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे हमारा जो मसाला पनीर का जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए ना तो आप इसमें पानी ऐड करो, अगर आपको ड्राई खाना तो पानी मत ऐड करना, ठीक है। और जो भी पनीर हमने फ्राई किया था वो पनीर इसमें ऐड कर लो, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी और डालो, और कसूरी मेथी डालो 1 टेबल स्पून। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा पनीर बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ये बनाने में, इतना ही मज़ा आता है इसको खाने में। तो आप भी बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और रेसिपीज चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, वरना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।